इन्वेस्टमेंट में आपको काम नहीं करना पड़ रहा, आपका पैसा आपको कमा के देगा। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो आपका प्रॉपर्टी का भाव बढ़ते रहता है, आप कुछ करते हो क्या उसमें? नहीं, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अगर आपने गोल्ड खरीदा तो गोल्ड का भाव धीरे धीरे बढ़ते रहता है, आपको तो उसको भी फायदा हो रहा है, लेकिन आप कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, आपने सिर्फ गोल्ड खरीद के रख लिया। गोल्ड खरीद के रख लिया, मेरा पैसा बढ़ गया। प्रॉपर्टी खरीद के रख ली, मेरा पैसा बढ़ गया। लेकिन गोल्ड और प्रॉपर्टी में आपको पैसे चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन शेयर खरीदने में इतना पैसा नहीं चाहिए, 100 रुपए में शेयर आ जाता है, बढ़िया से बढ़िया कंपनी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। आप उसमें SIP भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो ये जो तरीके है ना, ये आप अगर जिस दिन समझ गए उस दिन आप अमीर बन जाओगे। आप वॉरेन बफेट की इसलिए कह रहे हो, वॉरेन बफेट की जाके जर्नी पढ़ो कि वो इतने ज्यादा अमीर कैसे बन गए, है ना। सो ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखो, अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपका 1 लाख रुपए देता हूँ, तो कभी मत ये सोचो कि मैं उसे 1 लाख रुपए से ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, 1 लाख रुपए से मैं बढ़िया सी जींस खरीदूंगा, बढ़िया सा मोबाइल खरीदूंगा, बढ़िया से ये खरीदूंगा, बढ़िया सा सैलून में जाऊंगा, सजरूंगा सवरूंगा। नहीं, वो थिंकिंग अच्छी नहीं है। मेरे को ऐसा मानना है कि अगर आपके पास पैसे हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, आप ये सोचो कि उस पैसे को डबल कैसे कर सकते, ट्रिपल कैसे कर सकता, 10 गुना कैसे कर सकता। जिस दिन आपको पैसों को डबल ट्रिपल या 10 गुना करने का आ गया ना, मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, जिस दिन आपने सीख लिया, आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी,